कल मुंबई की मानखुर्द में रात 10 बजे हिंसा भड़क गई। अब इस हिंसा को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जाति और धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई के मानखुर्द में बीती रात हुई तोड़फोड़ की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया। गृह मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने राज्य की जनता से शांति की अपील की है। इस घटना पर बोलते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि भारत के संविधान ने हमारे देश में सभी जातियों और धर्मों के लोगों को एक साथ रहने का अधिकार दिया, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण नुकसान हो रहा है। विकास के बारे में बात होनी चाहिए, लोगों के परेशानियों को दूर करना चाहिए, लेकिन अब समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल मुंबई की एक कॉलोनी में 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल मुंबई के मानखुर्द इलाके में करीब 30 से 40 अज्ञात युवकों ने जमकर बवाल किया। वहीं इलाके में तोड़फोड़ और हंगामे के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। इस हिंसक घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।